हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्टरी पार्ट। ओके, तो आज बेसिकली हम देखेंगे क्या कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशियंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि रिलेशनशिप किस में करना है, जीरोज में और किस में, कोफिशियंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जीरोस होता क्या है, और इसका हमने प्रीवियस वीडियो में लेक्चर, प्रीवियस क्लास जो हम लोग कर रहे थे उसमें इसको हम लोगों ने क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है। तो इसको राइट डाउन कर लो, लिखो जीरोस क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पी एक्स इक्वल टू जीरो। जीरोज क्या होता है, एक्स की वैल्यू होती है जिस पे हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू, पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोज। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा टर्म्स है, क्या सीखना है कि कोफिशियंट क्या होता है। ठीक है, तो कोफिशियंट को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हमने लिया यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, ये आपका कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये कौन सा आपका इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। तो देखो, लीनियर इक्वेशन में आप यहाँ पे देख रहे हो कि ए एक्स प्लस बी दे रखा है। ठीक, इस टर्म पे ध्यान दो आप, जो एक्स होता है, एक्स को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। राइट डाउन करो, एक्स को क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक, तो कोफिशियंट देखो यहाँ पे ए बच गया। देखो इस पूरे टर्म में ए है आपका, एक्स है और क्या है, बी है आपका। देखो x जो होता है ये आपका कहलाता है वेरिएबल। ठीक, और देखो x के साथ ये क्या हुआ है, लगा हुआ है a, तो इस a को हम बोलेंगे कोफिशियंट। इस a को हम क्या बोलेंगे, कोफिशियंट। और देखो b क्या है, आपका इंडिविजुअल है। यहाँ पे देखो इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए कि आपका वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है और आपका कोफिशियंट क्या है। ठीक, तो इसको हम किसके थ्रू समझे, इसके थ्रू, लीनियर इक्वेशन के थ्रू। और बेसिकली हम लोग को इस एक्सरसाइज में लीनियर के अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपसे यहाँ पे आपसे बात करें कि यहाँ पे आपका क्या है, देखो यहाँ पे कोफिशियंट क्या है, यहाँ पे देखो x, ये क्या है आपका कोफिशियंट है, b भी क्या है, कोफिशियंट है। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इनको आप बोलोगे कोफिशियंट, क्योंकि ये वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में है। और यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका इंडिविजुअल है, इसके साथ कोई भी क्या है, वेरिएबल अटैच नहीं है। तो ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपका वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और कोफिशियंट क्या होता है। ओके, ये हमारा हो गया कांस्टेंट। नेक्स्ट आप एग्जांपल किसका लोगे, क्यूबिक इक्वेशन का। तो क्यूबिक इक्वेशन क्या ले लोगे, नेक्स्ट हम क्या एग्जांपल ले लें क्यूबिक इक्वेशन का, ये हो जाएगा हमारा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया क्यूबिक इक्वेशन का, ये हो गया हमारा क्या है, ये क्यूबिक इक्वेशन। अब देखो क्यूबिक इक्वेशन में ये आपका क्या हो जाएगा, ए बी और सी, ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, कोफिशियंट होंगे। क्यों, क्योंकि ये सारे किसी न किसी वेरिएबल के साथ अटैच्ड है। ठीक, और यहाँ पे डी आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट। तो हमने सबसे पहले, अब क्या करोगे, हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया, ये हमारा वेरिएबल क्या है, कोफिशियंट क्या है और कांस्टेंट टर्म क्या है। हमारा जो मेन आज का टॉपिक है यही रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, जीरोज मतलब क्या, द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो। तो इस जीरोज और जो भी हमारे ये कोफिशियंट है ए बी सी, ए सी नहीं है यहाँ पे, ए और बी। ठीक है, इसमें क्या है आपका लीनियर इक्वेशन में सिर्फ ए है, क्वाड्रेटिक में ए और बी है, और क्यूबिक में क्या हो जाएगा आपका ए बी और सी। इन दोनों में क्या, इन सब में क्या बताना है हमको, रिलेशनशिप डेवलप करना है। तो बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन, ठीक है, बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन। ओके, अब इस रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। किसका एग्जांपल लेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल का।
और लीनियर पॉलिनामियल का एग्जाम्पल क्या ले लोगे, पी एक्स इक्वल टू हमने ले लिया 2x+3। ध्यान से देखिएगा, यहीं से हमारा कंसेप्ट डेवलप होगा कि जीरोस और कोफिशियंट में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहली बात, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें पी एक्स इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, जीरो। तो ये हम ले लेंगे 2x+3 इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू -3/2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस, ठीक है, माइनस। अब देखो 3 क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। अभी हम लोग डिराइव कर रहे थे उसमें देखे थे, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कोफिशियंट। ठीक, ये कोफिशियंट है और ये क्या है आपका कांस्टेंट। देखना 2 और 3 में क्या फर्क है, 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कोफिशियंट होगा। क्यों, अभी हम लोगों ने देखा था कि जब ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में था तो ये क्या होता था, कोफिशियंट ऑफ एक्स, और बी क्या होता था, कांस्टेंट। ध्यान देना, ठीक, जब भी वेरिएबल के साथ अटैच होगा तो कोफिशियंट, और जब वेरिएबल के साथ अटैच नहीं होगा तो वही टर्म क्या हो जाएगा, सेम डिजिट सेम नंबर वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। ओके, तो हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक्स है क्या, यहाँ पे लिख लो माइनस, देखो एक्स क्या है, ये कांस्टेंट टर्म, तो इसको राइट डाउन कर लो। ठीक, एक्स इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म। तो देखो ये क्या हो गया, माइनस कांस्टेंट टर्म, और टू क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स। देखो यहाँ पे एक रिलेशन मिल गया कि एक्स इक्वल टू, तो देखो एक्स किसकी वैल्यू बताती है, जीरोज की, और ये आपके क्या है, कांस्टेंट और कोफिशियंट है। तो इसमें हमें एक रिलेशन मिल गया। सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कि ये 4x+7 है, ठीक, पी एक्स इक्वल टू 4x+7 है, अब आप क्या करो, इसकी जीरोज बताओ, इसका क्या बताना है, इसका जीरोज क्या होगा। तो जब इसका जीरो बताओगे तो एक तो तरीका है कि 4x+7 को आप क्या करो, जीरो पुट करो, सॉल्व करके एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7/4 होगा। बट अगर आपने ये रिलेशन याद कर लिया तो यहाँ से आप डायरेक्ट देख के इजिली बताओगे, और रिलेशन क्या है आपका, माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है आपका, ये -7। ठीक, और माइनस कोफिशियंट ऑफ आपका क्या है, एक्स, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है आपका, 4। ये क्या जाएगा, -7/4। देखते ही अगर आपने इस रिलेशन को तैयार कर लिया तो आप इसको क्या करोगे, इजिली सॉल्व करोगे। ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या लेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। और इसको समझने के लिए हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन ले लेंगे, और जनरल इक्वेशन हम क्या लेते हैं, ax² + bx + c। ठीक, इसको कंसीडर कर लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के एक जनरल इक्वेशन को, क्या हो गया आपका, ये पी एक्स इक्वल टू, ये राइट डाउन कर लो, ax² + bx + c, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए, तभी आपका ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा। अब इसमें राइट डाउन कर लो, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ गिवन पी एक्स। ठीक, देखो एक्चुअली क्या है आपका, ये क्वाड्रेटिक है तो इसमें कितने जीरोज होंगे, 2। आपका लीनियर था तो जीरो कितना था, 1 था, यहाँ पे जीरोज कितने हो जाएंगे, 2। तो इसको हमने कंसीडर कर लिया अल्फा और बीटा, जैसे वहां पे हम एक्स की वैल्यू अभी फाइंड आउट किए थे -3/2, इसको हमने लेट कर लिया कि एक जीरो क्या है अल्फा, दूसरा क्या है बीटा, और वहां पे जैसे मैंने 3/2 -3/2 वैल्यू फाइंड आउट करके रिलेशन डेवलप कर दिया था, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे एज अ फार्मूला, यहाँ पे लिख लो α + β = -b/a, α + β = -b/a,
और इसको राइट डाउन कर लो, बी क्या है, ये है कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो लिखोगे माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपान, और ए क्या है आपका, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपान, ये आपका हो जाएगा कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमको फार्मूला मिल जाता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ एक रिलेशन और डेवलप होता है अल्फा इंटू बीटा, ये आपका हो जाता है सी बाई ए, और सी आपका क्या होता है, ये है आपका कांस्टेंट टर्म, क्योंकि यहाँ पे सी क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है आपका कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या मिल जाता है, एक रिलेशन मिल जाता है। बिफोर पार्ट द वीडियो पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन, ओके। चलो तो ये हमारा क्वाड्रेटिक में एक रिलेशन मिल जाता है, इसको नोट कर लो, ओके। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट लिख लो क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका क्या हो गया, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसको कंसीडर कर लो, लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने यहाँ पे क्या राइट ले लिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब चलो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे भी राइट डाउन कर लो ए नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे ए जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट लिख लो कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा, लेट अल्फा एंड अल्फा बीटा एंड गामा आर थ्री जीरोज, थ्री यहाँ पे आपने क्या ले लिया, थ्री जीरोज ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या रिलेशन बनता है, राइट डाउन कर लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस क्या हो जाता है यहाँ पे, बी बाई ए, और माइनस बी ये क्या है आपका, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपान, ये क्या है आपका कोफिशियंट ऑफ ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट लिख लो, एक रिलेशन यहाँ पे बनता है अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू, ये एक रिलेशन आता है आपका सी बाई ए, ये क्या हो जाता है आपका सी बाई ए, और यहाँ पे देखो सी क्या है, ये हो जाता है आपका कोफिशियंट ऑफ एक्स, सी क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। देखो इस वाले केस में तीन रिलेशन मिलते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, थर्ड रिलेशन आपका क्या मिलता है यहाँ पे होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू, ये हो जाता है माइनस डी बाई ए, और माइनस डी क्या है आपका कांस्टेंट है, तो ये राइट डाउन कर लो, माइनस कांस्टेंट टर्म्स अपॉन ए क्या है कोफिशियंट, ठीक है कोफिशियंट ऑफ ये हो गया एक्स क्यूब, इसको भी चेंज कर लो, ये आपका क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब है। तो एक चीज देख रहे हो, जितने भी इसमें टर्म्स आ रहे हैं सारे आपका ये क्या हो जा रहा है, देखो कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशियंट ऑफ क्या जा रहा है एक्स क्यूब। ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड क्या था कोफिशियंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, मेनली हमको तीन ही पढ़ना है, लीनियर देखना था, क्वाड्रेटिक है, और क्या है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 2.2 को अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ओके।